गेम सा वाह वाह दिखो दिखो नीति नाम क्या है जल्दी बताओ यशवंत हर रोज 7 दिनों तक इसी चौक पर बैठकर हमने भागवत गीता का पाठ सुना। हर शाम सारे लोग बैठकर साथ में भागवत गीता का पाठ सुना करते थे, खुशी में झूमते थे और गाते। पर यहाँ पर हमने कृष्ण जन्म देखा, कृष्ण विवाह देखा और सारी लीलाएं देखी। लेकिन हर कार्य का एक निर्धारित समय होता है और आज वही दिन है जब हम भगवद गीता को धन्यवाद देते हुए उन्हें विदा करेंगे। हेलो जी, नमस्ते, मेरा नाम है सोनाली। अभी मतलब सुबह का टाइम हो रहा है और सब नहा धो गए हैं। आज थोड़ा मौसम ऐसा बदला बदला सा है, अभी इतना सब रेडी मतलब नहा धो के रेडी इसलिए हुए हैं क्योंकि आज लास्ट दिन है भागवत कथा का, यज्ञ होगा अभी। बस हम यज्ञ में ही जा रहे हैं, आज खाना वाना होगा, आज काफी कुछ करेंगे क्योंकि आज लास्ट डे है, फिर कल हम निकल रहे हैं अपने घर के लिए। लेट्स सी कैसा होता है, तो चलते हैं पहले। ये महायज्ञ गवाह है कितना बड़ा कार्य आज पूरा। सर्वप्रथम आरती लेके परिक्रमा करेंगे यज्ञ नारायण जी की। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जय बद्रीनाथ हरे। और ये जो मामा के सर पे है पीले कलर की, ये है हमारी भागवत गीता जी जिनकी हम अभी विदाई करने जा रहे हैं। बाय, अभी आके मिलती हूँ, आके मिलो। हाँ। ए बेटा तूने आने जितना अच्छा मैं भी आऊँ। हाँ नमस्कार, चल बेटा बाय। अरे बेटा वो आनु छो भाई, यस यस। हम सब पंडित लोगों को छोड़ने जा रहे हैं क्योंकि ऐसे जब वो आते हैं तो ऐसे एकदम जैसे किसी की बारात आती है ना वैसे लेके आते हैं। जब विदाई होती है तो विदाई भी बिल्कुल ऐसी होती है, सब लोग कितने एक्साइटेड है। हमें सारे पंडित जी हमारे मेहमान हैं, इसीलिए अतिथि की विदाई भी हम पूरे दिल से करते हैं। और हमें ये महसूस ही नहीं हुआ कि ये काम सिर्फ हमारा था, पूरे गांव वालों ने इतना साथ दिया कि लगा ये सबका काम था। इसीलिए सारे लोग ऐसे खुश होके एक्साइटेड होके सब लोग पंडित जी की विदाई करने के लिए आ गए। हाँ जी, जय जय। नागराज हैं हमारे नानी के गांव के कुल देवता और सारे काम इन्हीं के आशीर्वाद से होते हैं, इसलिए पहले इन्हें धन्यवाद देते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आप सोच रहे होंगे कि ये विदाई है तो यहाँ पे कोई रो नहीं रहा, सब लोग नाच रहे हैं, झूम रहे क्योंकि विदाई जरूर है लेकिन दिल बहुत खुश है। ये महायज्ञ सारे देवी देवताओं और पितरों के आशीर्वाद से संपन्न हुआ और हम खुश मन से गीता जी की विदाई कर रहे हैं।
नन्हे। चलिए जी समाप्त। आज यहाँ पर कुछ है तो बस खुशी और संतुष्टि। बस जी अब हो गई है यहाँ पे विदाई सबकी, सब लोग अपने अपने घर, और अब हम अपने घर जाएंगे। अब हम अपने घर को प्रस्थान करेंगे, आज काफी कार्य करने हैं हमें, और कल से फिर मेहमान जाएंगे। कल से मेहमानों की विदाई होगी। हाँ चल अब हम मामा जी के मंदिर चल रहे हैं, ऊपर जो बना हुआ है। चलो ओ यहाँ पे बहुत कॉमन ऐसे चील है नॉन। चलो ऊपर जाएंगे। उनकी विदाई करने के बाद हम लोग थोड़ा सा खेतों में आए, ऐसे थोड़ा सा खेतों के मजे लेने के लिए, क्योंकि सरसों हो रखा है पूरे जगह पे। मम्मी और तो नीचे जा रखे थे मम्मी जेठ फोटो खिंचाने के लिए, देख लो। कैमरामैन तो बहुत अच्छा है भाई, हाँ नो डाउट। खुश है तू? कहाँ ले जानी थी तो कर रो आराम। वेरी गुड, ठीक से काम करो भा। महिला मंडली, हमारी नानी लोग सब बैठ रखी हैं। ये देखो ये हम स्पेशल डुटाल लोग। हाँ वेरी गुड, ठीक से मुझे आओ आ गए सब। बस अभी एक घंटा और लगेगा। वेरी गुड, अच्छे से काम करो, अच्छे से। हाय वेरी गुड। हाँ हाय मामी, मामी की निकल गई है चटनी। वाह लैया के फूल खिल रहे, कितने सारे लेके आई है जेठी। अच्छा हो गया, हटो तो मुझे देखने। और ये देखिए, एक गीता जी को हमने विदा किया और दूसरी गीता हमारे घर में पैदा हो गई, इसीलिए इसका नाम हमने गीता रख दिया। और जस्ट अभी अभी वो बकरी का बच्चा, उसको हम बधाई देने गए थे, पीछे मौसम इतना सुंदर हो रहा है, वाव। बस आज लास्ट दिन है गाँव का, तो हमने मस्ती तो करनी है, बाकी क्या करना है ना। फिर बातों बातों में पता ही नहीं चला कि शाम कैसे बीत गई, लेकिन अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो धन्यवाद देना चाहती हूँ इस सफ़र में जुड़ने के लिए। और अब मैं भी विदा लेती हूँ। खुश रहिए, खुश रखिए, नमस्ते।